नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हां, रीना रॉय। जी हां, ये नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम रह चुका है। रीना रॉय ने अब तक कई हिट फिल्मों में काम किया है। शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार में पड़ने के बाद, उन्हें जब शत्रुघ्न सिन्हा से धोखा मिला, इसके बाद उनकी जिंदगी में मोहसिन खान आए। मोहसिन खान पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं। आपको बता दें कि मोहसिन खान से जब रीना रॉय की शादी हुई, उसके बाद मोहसिन खान ने बॉलीवुड में डेब्यू भी किया। जी हाँ, मोहसिन खान ने एक बार इंटरव्यू में अपनी बीवी रीना रॉय के बारे में खुलासे भी किए थे। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर अपनी पत्नी रीना रॉय के बारे में क्या कुछ कहा था मोहसिन खान ने। जी हाँ, इन दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका। शादी के कुछ समय बाद ही इन दोनों का तलाक हो गया। जी हाँ, इन दोनों को समझ आ गया था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, जबकि इन दोनों की एक बेटी भी है जिनका नाम सनम है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इंटरव्यू में मोहसिन खान ने रीना रॉय को लेकर क्या कुछ कहा है, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। क्रिकेट और फिल्म जगत का नाता हमेशा से ही रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान की प्रेम कहानी और फिर शादी भी उसी का एक उदाहरण है। हालांकि ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और दोनों पति पत्नी अलग हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में रही रीना रॉय ने जब मोहसिन खान से शादी की तो बॉलीवुड और हिंदुस्तान को अलविदा कह दिया और पाकिस्तान चली गई थी। जी हाँ, मोहसिन खान के साथ दिए एक इंटरव्यू में रीना ने अपनी शादीशुदा जिंदगी पर बात की। उसी इंटरव्यू में मोहसिन खान ने बताया था कि उन्होंने रीना की एक भी फिल्म नहीं देखी। दरअसल उन्हीं दिनों मोहसिन खान क्रिकेट छोड़ बॉलीवुड में आए थे। इसी बात को लेकर उनसे सवाल किया गया था कि आप पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के हीरो रहे हैं, फिल्म का हीरो बनने का ख्याल कैसे आया? कहीं से ये शौक फिल्मी सितारों की तरह आपको बचपन से तो नहीं था? जवाब में मोहसिन खान ने कहा, बिल्कुल नहीं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि आज तक मैंने अपनी वाइफ की भी कोई फिल्म नहीं देखी। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो वो चुप रहे। वहीं रीना रॉय ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। रीना रॉय से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने मोहसिन को शादी से पहले क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा था, तो उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया, ये आपसे किसने कह दिया। रीना रॉय और मोहसिन खान की शादी 1983 में हुई थी। शादी के बाद भी बॉलीवुड से रीना को फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। हालांकि 1993 की फिल्म आदमी खिलौना है में जितेंद्र के साथ काम करने के लिए वो राजी हुई थी। रीना रॉय को मोहसिन खान से शादी के बाद एक बेटी भी हुई। बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही मोहसिन और रीना के बीच झगड़े शुरू हो गए। मोहसिन ने रीना को तलाक दे दिया था। रीना को अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मिली थी, वो भारत आ गई थी। बेटी की कस्टडी के लिए उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में शत्रुघ्न सिन्हा की मदद से उन्हें अपनी बेटी वापस मिली थी। जी हाँ, आपको बता दें कि रीना रॉय का नाम अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ा था। शत्रुघ्न सिन्हा रीना से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उन्हें पूनम सिन्हा से शादी करनी पड़ी। शत्रुघ्न की शादी के बाद रीना की जिंदगी में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान आए। रीना और उनकी पहली मुलाकात लंदन में हुई। रीना ने मोहसिन से साल 1983 में शादी की थी। शादी के बाद ही एक इंटरव्यू में रीना से जब पूछा गया था कि उनके घर में किसका हुक्म चलता है, तो बहुत नाराज हुई थी। दरअसल उन दोनों मोहसिन खान क्रिकेट छोड़ बॉलीवुड की फिल्मों में डेब्यू को तैयार थे और इसी सिलसिले में उन्होंने फिल्म के साथ साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी पर भी बात की थी। रीना रॉय से सवाल पूछा गया था कि एक बात बताइए, घर में किसका हुक्म चलता है, तो सवाल सुनकर रीना रॉय बेहद नाराज हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये घर है, किसी बादशाह का दरबार नहीं है जो हुक्म कहे उसकी तामील की जाए। घर में समझदारी की जरूरत होती है, एक दूसरे के साथ चलने की जरूरत होती है। इसी बीच मोहसिन खान से पूछा गया कि वो अच्छे पति हैं या रीना अच्छी बीवी है, तो मोहसिन खान ने जवाब दिया कि ये अच्छी बीवी है। रीना ने उनकी बात को काटते हुए कहा था कि नहीं, ये अच्छे पति हैं। जी हाँ, रीना शादी के बाद पाकिस्तान चली गई थी। उन्होंने बॉलीवुड से अपना रिश्ता कुछ समय के लिए तोड़ लिया था। उन्होंने बॉलीवुड तब छोड़ा था जब वो अपने करियर के शीर्ष पर थी, इसीलिए शादी के बाद उन्हें फिल्मों में ऑफर लगातार आते रहे। वो हर बार मना कर देती थी, लेकिन जब आदमी खिलौना है के लिए अप्रोच किया गया तो उन्होंने मना नहीं किया। हालांकि उनका वजन काफ़ी बढ़ गया था, जिसे कम करने के लिए
उन्होंने वक्त मांगा था। मोहसिन खान और रीना रॉय की शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। जब रीना ने पहले बच्चे को जन्म दिया उसके कुछ समय बाद ही दोनों पति पत्नी के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। रीना को मोहसिन ने तलाक दे दिया और बेटे की कस्टडी अपने पास रख ली। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रीना को अपनी बेटी वापस मिली थी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोहसिन खान का खास कनेक्शन है एक्ट्रेस रीना रॉय से। करियर के शुरुआती दिनों में ही रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के चर्चे बहुत रहे। शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी तो नहीं रचाई रीना से। इसके बाद रीना की मुलाकात मोहसिन खान से हुई और दोनों ने शादी कर ली। जी हाँ, रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की। मोहसिन शादी के बाद अपने क्रिकेट करियर को छोड़कर बॉलीवुड चले आए थे। रीना ने उनके साथ कुछ फिल्मों में भी काम किया। उनकी एक बेटी भी हुई, हालांकि दोनों की शादी कुछ वक्त के लिए टूट गई। पाकिस्तान में क्रिकेटर मोहसिन खान संग रीना उस वक्त अपने करियर के टॉप पर थी, लेकिन प्यार में उन्होंने करियर को भी छोड़ दिया। रीना और मोहसिन का ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। दोनों की एक बेटी है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन खान अपनी बेटी को जन्नत बुलाते थे, लेकिन रीना रॉय ने उसका नाम सनम रखा था। ये नाम रीना ने 1982 में उनके हिट फिल्म सनम तेरी कसम से प्रेरित होकर रखा था। रीना और मोहसिन का रिश्ता जब टूटा तो सवाल बेटी की कस्टडी पर आया। तलाक के बाद बेटी की कस्टडी मोहसिन को मिली। इसके बाद रीना ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार बेटी की कस्टडी पाई। जी हाँ, तो रीना रॉय और मोहसिन खान के रिश्ते कुछ समय बाद ही खराब होने लगे। जी हाँ, इनके रिश्ते में दरार आने लगी और दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहे, जिसका खामियाजा रीना रॉय को भुगतना पड़ा। जी हाँ, बता दें कि दोनों का तलाक हुआ, उसके बाद दोनों अलग हो गए। और आपको बता दें कि रीना रॉय ने उसके बाद शादी भी नहीं की। जी हाँ, रीना रॉय ने दोबारा शादी नहीं की और अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोष के उन्होंने बड़ा किया। जी हाँ, रीना रॉय की ज़िंदगी भी हमेशा कुछ खास नहीं रही है। हमेशा उन्हें दुख भरी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। तो आपने देखी अभी रिपोर्ट, आपने जाना कि रीना रॉय को लेकर मोहसिन खान ने अपने इंटरव्यूज में क्या कुछ कहा है। जी हाँ, अब तक मोहसिन खान ने रीना रॉय की कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। जी हाँ, उनकी पत्नी खुद बॉलीवुड में थी, लेकिन अपनी पत्नी की एक भी फिल्म उन्होंने नहीं देखी थी। इस बारे में उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था और काफी बातें इस इंटरव्यू में सामने आई थी। जी हाँ, फिलहाल इस रिपोर्ट में हमने आपको रीना रॉय और मोहसिन खान की जिंदगी के कई सारे किस्से सुनाए। तो आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।